आज हम 3 महीने के बाद इस परिस्थिति में नहीं है कि दुकान बंद करके हमारे घर के खर्च चलाए। दुकान 3-4 महीने से बंद है, कैसा खा रहे, क्या खा रहे, कोई देगा क्या हम लोगों को आके दे रहा घर पे? न यहाँ भाड़ा देने को पैसा है, न खाने को पैसा है। इतना ही हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, व्यापारियों को सहयोग करें। प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका ने 19 जुलाई तक लॉकडाउन किया था, जो अब हटा दिया गया है, जिसके बाद P1 P2 के तहत दुकानें खुलने का आदेश जारी किया गया था। और दत्तूबाड़ी से मुमरा फास्ट रेलवे लाइन तक रोड के दोनों तरफ और मित्तल ग्राउंड से अब्दुल्ला पटेल हाई स्कूल जूनियर कॉलेज तक रोड के दोनों तरफ दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। मगर आज सुबह जब 9 बजे दुकानें खुलने लगी तो काफ़ी हंगामा हुआ। मुमरा मार्केट में जैसे ही दुकानें खुली, मनपा और पुलिस पहुंचकर दुकानें बंद करा दी। इस तरह से गुलाब पार्क मार्केट में भी दुकानें खुलते ही प्रशासन ने बंद करवा दिया। दुकानदारों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। मुमरा मार्केट में दुकानें बंद करने को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। व्यापारियों का कहना है कि मुमरा में कंटेनमेंट जोन क्यों है, जबकि मुमरा में कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना काफ़ी कम है। पुलिस ने जैसे तैसे करके मुमरा मार्केट के व्यापारियों को समझाया और उन्हें शांत किया। इसी तरह से गुलाब पार्क मार्केट में भी मनपा ने खुली दुकानों को बंद करवाया। फुटपाथ पर भी चिकन मटन बेचने वालों को हटाया गया। व्यापारियों का कहना है कि भुखमरी के कागार पर वो पहुंच गए हैं और कितने दिन दुकानें बंद रखें, क्या परिवार वालों को खिलाएं और क्या दुकान का भाड़ा भरे। लॉकडाउन पर लॉकडाउन बढ़ रहा है, क्या करें, ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। P1 P2 के तहत ही दुकानें खुलने की अनुमति ये व्यापारी मांग रहे हैं। मुमरा मार्केट के व्यापारियों ने जनप्रतिनिधि राजन कीने से मुलाकात की और इन लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि P1 P2 के तहत दुकानें खुलने की अनुमति दी जाए। वहीं अगर बात करें गुलाब पार्क मार्केट की, तो वहाँ भी व्यापारियों के समर्थन में नगर सेवक शानू पठान, जफर नुमानी मयसर सामने आए और इन लोगों ने मनपा से दुकान खोलने की मांग करेंगे, ऐसी जानकारी इन लोगों की तरफ से दी गई है। गुलाब पार्क मार्केट के व्यापारियों ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले मुमरा मार्केट के व्यापारियों ने क्या कहा है वो सुनिए। कारण ये है कि आज हम 3 महीने के बाद इस परिस्थिति में नहीं है कि दुकान बंद करके हमारे घर के खर्च चलाए। ब्रेड एंड बटर का सवाल आ गया, इसलिए आप जो हमारा संतोष नगर परिमंडल 1 संतोष नगर प्रभाग 5 का इलाका आपने घोषित किया था कि ये हॉटस्पॉट, लेकिन बाद में आपके अधिकारियों ने बोला मुमरा बाजार मेन बाजार ओल्ड पनवेल रोड ये भी हॉटस्पॉट में है। लेकिन सर हम लोग आगे कैसा कर सकते हैं, हमारे बारे में आप सोचो, क्योंकि हमारे भी दुकान के खर्चे हैं, बाकी सब दुविधाएँ हमारे हैं। इतना ही हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप दोबारा इस विषय पर गंभीरता से देखिए और हम व्यापारियों को सहयोग करें कि आपका नियम जो भी अब तक जो था पालन किए उसी तरह करेंगे। P1 P2 के बेसिस पे भले आप 9 से 7 नहीं 9 से 5 के दरमियान हमको दुकान खोलने की जो अनुमति दी थी उसी तरह दीजिए। मेरी दुकान मुमरा मार्केट में है, बाजार पेट भी बोलते हैं जिसको। आज हम लोग 2 जुलाई से कम्प्लीट लॉकडाउन में है। पहले 12 जुलाई तक का लॉकडाउन था, फिर उससे एक्सटेंड करके 19 जुलाई तक किया और बाकी तो हम लोग 3 महीने से घर पे ही बैठे हैं सर। तो हम यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और सभी प्रभाग समिति के लोगों से विनंती करते हैं कि हमें एटलीस्ट P1 P2 के हिसाब से दुकान खोलने दी जाए, क्योंकि जो कंटेनमेंट जोन बता रहे हैं वो है संतोष नगर और ऊपर का जो जोन बता रहे हैं वो है महावीर नगर से शैलेश नगर तक। तो मुमरा बाजार पेट में तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम सबसे मतलब आपसे निवेदन करते हैं कि हम जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का दुकानों पे पालन करेंगे। 4 महीने से बंद दुकानें, अब व्यापारियों का सब्र टूट रहा है, घर चलाना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। गुलाब पार्क मार्केट के व्यापारियों में भी काफ़ी गुस्सा देखने को मिला बंद को लेकर। क्या मांग की है शासन प्रशासन से गुलाब पार्क मार्केट के दुकानदारों ने सुनी। जी यहाँ पे आज सुबह दुकानें खुल गई थी, काफ़ी दुकानें खुल गई थी, तो मनपा को लोगों को पता चला तो वो लोग आए और यहाँ पे दुकानें इन्होंने बंद कराना शुरू कर दिया।
तो लोगों ने बंद तो कर दिया, बट उसके बाद जफर भाई आए और शानू भाई आए, सबका फ़ोन आया गया। जब यहाँ से फ़ोन आया तो हम लोग आए यहाँ पे और इन लोगों को आश्वासन दिया गया करके हम लोग मनपा से बात करेंगे और इंशाल्लाह इसको ऑड इवन करके खुलवाएंगे। और मेरी प्रशासन से ये मांग है कि जब हमारे कंटेनमेंट जोन के बाहर है तो कि क्यों नहीं मतलब ये दुकान को परमिशन दी जा रही है कि एटलीस्ट इसको दुकान को ऑड इवन करके खोला जाए। जब यहाँ कोई पेशेंट्स नहीं है, हमारे इस तरफ में कोई पेशेंट्स ही नहीं है, आप पीछे तक चले जाएं चाहे तनवर नगर हो चाहे शरीफा रोड हो, यहाँ पे जब कोई पेशेंट्स नहीं है तो क्यों मतलब इसको किया जा ये किया जा रहा है। मेरा तो कहना यही है भाई कि पहली बात तो ये गुलाब पार्क एरिया है, यहाँ पे तो एक भी कोविड पेशेंट है ही नहीं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ जो कोविड पेशेंट है दीवा में है, शील में है और आउटसाइड है, बट इधर गुलाब पार्क में क्यों नहीं दुकान खोलने जा रही। आप देख रहे हो कि बोल रहे हो कि नेम ये नेम खान का जो बंगला है ये किड्स कैंप है, किड्स कैंप है, किड्स कैंप के उस तरफ से बोले खुला रहेगा, बट इस तरफ क्या है, इस तरफ पे तो एक भी पेशेंट नहीं है। ये पूरा मुमरा ये गुलाब पार्क एरिया में जीरो पेशेंट है, कोविड पेशेंट एक भी पेशेंट नहीं है, और मेन गुलाब पार्क मार्केट में एक भी पेशेंट नहीं है, तब क्यों यहाँ गुलाब पार्क मार्केट बंद कराया जा रहा है भाई। कम से कम चालू तो करा है, एक एक दिन ऑर्डर करके इवेंट करके एक एक दिन तो चालू करा है। भाड़ा है, भाड़ा 70-80 हज़ार कौन कहाँ से देगा भाई, कोई दुकानदार ना धनी कोई भाड़ा माफ़ नहीं कर रहा है, किसका घर नहीं चल रहा भाई। अभी आप ये देखो ये चोरी चकारी जो होगी और जो बढ़ रही है सब वो इस वजह से हो रही है ना भाई कि किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। आज हम लोग की हालत है, हम लोग मिडिल क्लास है भाई, क्या करेंगे, रोज दुकान खोलेंगे उसी से अपना चलता है। आज हम लोग मिडिल क्लास हम लोग खुल के बोल तो नहीं सकते कि भाई आज हमारी हालत क्या है, लेकिन अभी आज ये बोलना पड़ रहा है हम लोग भाई मजबूरी, दुकान 3-4 महीने से बंद है, कैसा खा रहे क्या खा रहे कोई देगा क्या हम लोगों को, आके दे रहा है घर पे, आप बोलो। हम लोग की तकलीफ है भाई, ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना भाई हम लोग की तकलीफ है, और जो हम लोग की जो भाड़ा से वो निकल के आ रही भाई, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर ये हमेशा के लिए रहेगा। अभी आज बोल रहे 31, फिर 31 के बाद फिर आएंगे, फिर बोलेंगे और 15 दिन आगे, फिर 15 दिन के आगे फिर बोलेंगे 30 तारीख, ऐसा चलते ही रहेगा भाई। कम से कम मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग को ऑड इवन करके हम लोग को चालू करने दीजिए बस। जो यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है, यहाँ पे कोई है ना दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग को जो है ना यहाँ पे दुकान को बंद किया जा रहा है। ये सारा परेशानी जो है ना हम लोग के साथ है और जो काम करने वाले लेबर है उनके साथ है। ये ऑलरेडी क्या है कि मालूम है पूरा खुलना चाहिए, ये जैसे खुल रहा था पहले एक दिन है नहार करके वैसे खुलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है ना हम लोग भूखमरी के शिकार हो गए हुए हैं, न यहाँ भाड़ा देने को पैसा है ना खाने को पैसा है, और न ही जो है ना आपको जो है ना मालूम है वर्कर लोग है ना वे जो काम करने वाले हैं उनको खाने का पैसा नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे पैसा ये सब। जब दुकान खुलेगी कुछ आमदनी होएगा जब ही तो है ना कुछ ना कुछ है ना कुछ रास्ता निकलेगा। यहाँ पे हमारा गुलाब पार्क में कोई पेशेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमको है ना यहाँ के इससे है कि है ना दुकान को खोला जाए, और आज से ही खोला जाए नहीं तो कल से खोला जाए दुकान को। प्रशासन से मांग है, हाँ प्रशासन से मांग है मेरी, क्योंकि गुलाब पार्क में कोई है जीरो पेशेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे पूरा का पूरा। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ रहा है मगर कम से कम P1 P2 के तहत दुकानें खोलने की अनुमति शासन प्रशासन उन्हें दे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति शासन प्रशासन से मिलती है या फिर नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।